इस लॉकडाउन में कुछ मीठा खाने का मन करे तो गुलाब जामुन टॉप लिस्ट में तो आता ही है। खैर, गुलाब जामुन बनाने में काफी टाइम लगता है, इतना आसान भी नहीं है उन्हें बनाना। तो मैं आपके लिए सिंपल इंग्रेडिएंट से गुलाब जामुन लेकर आया हूँ ताकि आप इसको जल्दी से जल्दी बना पाओ और एकदम सॉफ्ट बढ़िया गुलाब जामुन बने जिसको खाने में भी मजा आए और सबको खिलाने में भी मजा आए। तो इसको बनाना एक बार तो बिल्कुल बनता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत और आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। अब गुलाब जामुन बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर चाशनी बनानी होगी और गुलाब जामुन की चाशनी बनाने के लिए आपको एक कप चीनी चाहिए होगी और लगभग उसमें आपने 1.5 कप पानी डालना है। अगर बाय चांस आपको लगता है कि आपकी चाशनी में ये जो चीनी का पानी है इसमें थोड़ी सी गंदगी है तो आप इसमें 1 चम्मच दूध डाल सकते हो और जो फोम ऊपर आएगी आप उससे सारी गंदगी को आराम से स्ट्रेन आउट कर सकते हो। जैसे ही चाशनी अच्छे से हल्की सी बॉईल होने लग जाए फिर आप इसमें थोड़े से फ्लेवर्स डालना। मैंने यहाँ पर इलायची और थोड़ा सा केसर डाला है रंग के लिए और ये बिल्कुल आपकी इच्छा है कि आप इसमें फ्लेवर्स डालना चाहते हो या नहीं डालना चाहते या इसको एकदम प्लेन रखना चाहते हो, कम्प्लीटली आपके ऊपर है। ये बात का आप ध्यान रखना कि ये चाशनी जल्दी से बन जाती है तो उसको ज़्यादा टाइम पकाने की ज़रूरत नहीं है। अब बात आती है कि भैया चाशनी कैसी बनानी है। अगर आप पहले से कंपेयर करो जो बबल्स है चाशनी के, ये देखो अब थोड़े अलग से बबल्स आ रहे हैं, कम आ रहे हैं और वो थोड़ी रेजिस्टेंस से ऊपर आ रहे हैं, है ना। और पहले कैसे आ रहे थे, एकदम जोर जोर तेज के आ रहे थे। चाशनी हमें ऐसी बनानी है कि हमें बहुत गाढ़ी चाशनी नहीं चाहिए, बहुत पतली चाशनी भी नहीं चाहिए। चाशनी ऐसी चाहिए कि जब हम उसको उंगली पे लगाएं तो ऐसा लगे जैसे कि हाथ में तेल लगा हुआ है, दिखने में ऐसा लगना चाहिए। कोई तार की चाशनी ऐसी कुछ नहीं चाहिए। आप ये देखो मेरी पहली ट्राई में जो चाशनी है ये एकदम पतली है। अभी यहाँ चाशनी को पकने में थोड़ा सा और टाइम लगेगा तो मैंने इसको लो फ्लेम पर छोड़ दिया है और जब तक मैं यहाँ पर गुलाब जामुन बना के फ्राई कर लेता हूँ। तो गुलाब जामुन अगर आपको इंस्टेंटली और ईजी बनाने हो तो मैंने उसके लिए यहाँ पर ब्रेड का इस्तेमाल किया है। मैंने यहाँ पर मैदे की ब्रेड ली है, आप आटा ब्रेड भी ले सकते हो लेकिन मैदे वाली ब्रेड में थोड़ा ज्यादा बेटर रिजल्ट आता है क्योंकि मैदा वैसे भी कहीं गुलाब जामुन की रेसिपी में यूज होता ही है। तो सबसे पहला काम जो आपने करना है यहाँ पर वो ये है कि जो ब्रेड स्लाइसेस हैं इसकी जो कोने हैं, जो कॉर्नर्स हैं, उनको आप हटा लेना। सारे कॉर्नर्स को आप हटा लेना, बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए ये गुलाब जामुन में, नहीं तो ये हार्ड हार्ड लगेंगे, अच्छे बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। और बस अब आपने यहाँ पर ब्रेड को क्रश करना है। अगर आप इसको मिक्सी में करना चाहते हो तो आप मिक्सी में भी कर सकते हो, मैंने इसके हाथ से ही किया है और हाथ से भी बहुत आराम से हो ही जाएगा क्योंकि आगे जाकर जब मैं इसको मैश करूंगा तो सब कुछ आराम से अच्छे से मिल जाएगा। तो इसमें आपने थोड़ा सा फैट डालना है जो कि मैंने यहाँ पर देसी घी डाला है ताकि हल्का सा मॉइस्चर आए। और हाँ, मॉइस्चर से याद आया कि इसको गीला भी करना है क्योंकि हमें डो जैसा बनाना है ना इसे। पहले मैंने यहाँ पर 4 चम्मच दूध डाला है, इसको अच्छे से मिलाया है और फिर 4 चम्मच दूध और डाला है। मैं जानता हूँ आपको थोड़ा सा ज्यादा लग रहा होगा पर मैंने जानबूझ के दूध को ज्यादा डाला है ताकि हल्का सा गीला ही रहे, सूखा ना हो। अगर सूखा होगा ये आपका जो मिक्सचर है तो गुलाब जामुन सही नहीं बनेंगे, फ्राई करते करते टूट जाएंगे। तो सूखा ना रखें, हल्का सा गीला ही रखें। और अगर आपको अच्छे गुलाब जामुन बनाने हैं तो आप इसको एक सरफेस पे अच्छे से रगड़ लेना, मैश कर लेना, बिल्कुल जैसे खोया के गुलाब जामुन करते हैं, उसको भी अच्छे से मथते हैं, बिल्कुल ऐसे ही मैंने इसको अपने पाम से रगड़ रगड़ के अच्छे से मथ दिया है ताकि एकदम स्मूथ हो जाए, एकदम इवन सा हो जाए। अब ये देखो ये जो बॉल है काफी स्मूथ है, काफी इवन है। और हाँ, जितना चिपक जाएगा वो आपको चाकू की हेल्प से तो निकालना ही पड़ेगा। यहाँ पर अंदर मैंने स्टफिंग भी करने की सोची है और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप करो क्योंकि ये ब्रेड है तो ऑब्वियसली वो खोए वाला फ्लेवर तो एग्जैक्ट तो आ नहीं सकता, तो कुछ कुछ वैसा फ्लेवर लाने के लिए अंदर अगर स्टफिंग होगी तो और बढ़िया रिजल्ट आएगा। तो मैंने स्टफिंग में यहाँ पर बादाम, काजू, किशमिश यहाँ पर रखी हुई है, उसमें थोड़ी सी कूट कर इलायची डाल दी है। आप डालना चाहते हो तो आप जरूर डालना। अब फटाफट से यहाँ पर जो ये डो है इसको डिवाइड कर देते हैं इक्वल पोर्शंस में। आराम से मेरे पास ये 9 बॉल्स निकल कर आ रही है गुलाब जामुन की। अब इनकी फटाफट से स्टफिंग कर देते हैं और इनको एकदम इवन शेप दे देंगे। तो अपने दोनों हाथ में, अपने पाम में अच्छे से इसको घुमाना। याद रहे पहले इसको इवन करना जरूरी है, यानी कि इसको एक बॉल की शेप देना जरूरी है फिर ही आप इसमें स्टफिंग करना। पहले बॉल की शेप इसलिए दी है ताकि इसमें क्रैक्स बिल्कुल भी ना आए और बिल्कुल भी ना रहे।
और इवन रहेगा तो ये और हल्का सा प्लायबल हो जाएगा, जुड़ेगा आराम से। बस अब अंदर थोड़ी सी स्टफिंग भरना, ज़्यादा बिल्कुल भी मत भरना, थोड़ी सी आपने भरनी है। फिर आप इसको बंद कर देना पोटली बनाकर और एकदम एक बॉल की तरह इसको राउंड कर लेना। बस गुलाब जामुन बनकर पूरे तैयार है। ऐसे ही मैंने दूसरा गुलाब जामुन भी भर लिया है, आप इसको एक बार देख लो और एक करके आपके सारे गुलाब जामुन बनकर तैयार हो जाएंगे। तो बात आती है फ्राई करने की। ये भैया गुलाब जामुन फ्राई कैसे करने हैं? जो ब्रेड वाले गुलाब जामुन है इनको फ्राई करने के लिए आप कढ़ाई में ज्यादा तेल मत डालना, यानी कि इनको एकदम डीप फ्राई भी नहीं करना। अगर आप एकदम डीप फ्राई करोगे तो उनके टूटने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अब देख सकते हो मैंने कढ़ाई में ज्यादा तेल नहीं डाला है और सबसे पहले मैंने एक छोटी सी बॉल बनाई थी, एक्स्ट्रा जो नाइन्थ वाली थी ना उसकी एकदम खाली बॉल है, इसके अंदर कोई स्टफिंग नहीं है। इसको पहले मैंने तेल में फ्राई करके देखा है ताकि मुझे टेम्परेचर का भी पता चले कि तेल सही से गर्म हुआ है नहीं हुआ, और मैं एक बार गुलाब जामुन सही से फ्राई करके भी देख लूं ताकि ऐसा ना हो कि भैया गुलाब जामुन फट रहे हैं। अगर बाय चांस आपके गुलाब जामुन इसमें तेल में डालते ही फटने लग जाते हैं या रिलीज करने लग जाते हैं तो अब इस बात का ध्यान रखना कि आपके जो डो है उसमें मॉइस्चर कम है, यानी कि आपने दूध कम रखा हुआ है। कुछ बातों का आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। फ्राई करते हुए जो आपको बात का ध्यान देना है वो ये है कि आपने इनको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है, और हाँ इनको डालते ही स्टर मत कर देना। आप देख सकते हो कि मैं यहाँ इसको चम्मच से इस पे तेल डाल रहा हूँ और चम्मच से ही पका रहा हूँ। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर मैं इसको झाड़ी से करूंगा तो झाड़ी इतनी बड़ी, गुलाब जामुन इतने छोटे, कंट्रोल करने में दिक्कत हो जाएगी। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि या तो आप कोई करछी या तो एक चम्मच ऐसी कोई चीज का ही इस्तेमाल करें ताकि आप इसके ऊपर भी तेल को ड्रॉप करें, इवनली आप इसको स्टर कर पका भी पाएं और गुलाब जामुन का जो कलर है, जो कुकिंग है वो एकदम इवनली हो पाए। हाँ पर ध्यान रहे कढ़ाई में तेल ज्यादा नहीं है, वो तो आप देख ही सकते हो। अब बस देखो पहला गुलाब जामुन एकदम सही बनकर आया है ना। अब ये फर्स्ट जो ट्रायल वाला है मैं आपको इसको काट के दिखाता हूँ कि अंदर का टेक्सचर कैसा होगा गुलाब जामुन का। आप ये देखो ऐसा होगा, और जो ये सरफेस है ना बाहर की, जो आउटर शेल है, ये बहुत मोटा नहीं होना चाहिए। अगर बहुत मोटा होगा यानी कि अगर सिम पे फ्राई करा होगा तो हार्ड हो जाएगा और चाशनी में गल नहीं पाएगा। तो बस अब मैं सारे गुलाब जामुन एक साथ ही फ्राई कर दूंगा, अब कोई दिक्कत नहीं है। जब फर्स्ट टेस्ट रन एकदम सही हो चुका है तो अब आगे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो अब आप एक एक करके इस गरम तेल में ड्रॉप करना गुलाब जामुन को, और हाँ ध्यान रहे मीडियम फ्लेम पे पकाना है, हाई फ्लेम पे नहीं और ना ही लो फ्लेम पे। अगर आप लो फ्लेम पे पकाओगे तो इनके अंदर चाशनी जाने की कोई चांसेस नहीं रहने वाले। और आप देख सकते हो कि मैं चम्मच से कैसे तेल ऊपर डाल रहा हूँ, ड्रॉप कर रहा हूँ और इसको स्टर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पर मेरे को रियलाइज हुआ कि चम्मच तो बहुत ही छोटा है तो करछी ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि भैया गुलाब जामुन ज्यादा है। वैसे करछी ही बेस्ट है फ्राई करने के लिए। तो इसको आप हल्के हाथ से स्टर करना बीच बीच में ताकि सारी तरफ बिल्कुल इवन कुकिंग हो गुलाब जामुन में, कहीं से भी ऐसा ना हो कि ज़्यादा हो जाए या कहीं से ऐसा ना हो कि कम हो जाए, ऐसा नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि अंदर तक उसके हीट जाए, कुकिंग अच्छे से हो ताकि गुलाब जामुन सही से पके। तो बस बीच बीच में आप यहाँ पर ऊपर तेल डालते रहना कि इवन कुकिंग और होती रहे, और ऑब्वियसली इसको स्टर भी करते रहना। और देखते ही देखते आप ये देखो इसका कलर बढ़िया आने लग गया है ना, बिल्कुल इवन कुकिंग में ही। बस थोड़ी देर आपने और पकाना है, 12 से 15 मिनट आपको लगने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, 12 से 15 मिनट। और जब एकदम इवन कलर आ जाए, एकदम इवन कुकिंग हो जाए तो अब फटाफट से चेक कर लेते हैं चाशनी सही है कि नहीं। चाशनी आप ये देखो बिल्कुल ऐसी लग रही है कि जैसे मैंने उंगली में तेल लगा दिया है, बिल्कुल ऐसी चाशनी चाहिए और हल्की गर्म चाशनी चाहिए। तो बस अब आप ये गरम गरम गुलाब जामुन सीधा चाशनी में डालें, सारे के सारे आपने गुलाब जामुन डालने हैं, और इसको फटाफट से मिलाकर आप थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देना, लगभग 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि सारी चाशनी अंदर तक अच्छे से डूब जाए। क्योंकि चाशनी हल्की गर्म है, ये इसका जो आउटर सरफेस है उसको भी सॉफ्ट कर देगी और गुलाब जामुन सॉफ्ट हो जाएंगे। 15 मिनट से आधे घंटे के अंदर अंदर गुलाब जामुन आपके पूरे तैयार हैं और आप इनको आराम से खा सकते हो। तो ये देखो आप टेक्सचर भी एकदम बढ़िया है, तो दोस्तों और क्या चाहिए। मैं तो रुक ही नहीं पा रहा, तो फटाफट से इसको सर्व करता हूँ। जल्दी से जल्दी गुलाब जामुन बन जाए बिल्कुल कम इंग्रेडिएंट्स के साथ, बिल्कुल आसानी से, उससे ज़्यादा बेहतर क्या होगा, है ना। तो दोस्तों आप इसको ट्राई करके देखना, मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको कैसा लगा। और दोस्तों मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ।